या मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये हरकत करके तुम मुझसे बच जाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। खोलो दरवाजा। हाँ हाँ रमल, उसके लिए तो मैंने अच्छी खासी रकम भी दी थी और उन लोगों ने उसको ठिकाने भी लगा दिया था। चलो इधर आ जा। क्या बनाया? क्यूट। ठीक हो बेटा? क्यों बाबा को तंग कर रही हो? रेस्ट कर रहे थे वो। चलो अपनी पेंटिंग करो, ये ले उस्मान जाए। थैंक यू। चलो इधर आ जाओ। क्या बनाया? अरे क्यूट। मैं रमन हूं। मैं रमन हूं अम्मी। आपकी छोटी सी प्यारी सी रमन गुम गई थी ना, मैं बचपन में थे, आ गई हूँ मैं वापस आ गई हूँ। हमारी बेटी, मैंने कहा था ना तुमसे ये हमारी रमन हो सकती। मेरा शक आज यकीन में बदल गया, मेरा शक दुरुस्त साबित हुआ। रमन ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं? हाँ तायरा, ये मेरी अम्मी है देखो, और ये मेरे बाबा है। मैं तब अम्मी पापा मिल गए मुझे तायरा। अम्मी रमन क्या कह रही है ये? मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये हरकत करके तुम मुझसे बच जाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। खोलो दरवाजा। तुमने जो हरकत की है ना, इसकी तुम्हें ऐसी सजा दूंगा ना कि याद रखोगे किस इंसान से पाला पड़ा है तुम्हारा।
अल्लाह के काम भी कितने नाराले, हम इंसानों की सोच से बाहर। रमन के मिलने के बाद मैंने आप लोगों को कहां कहां तलाश नहीं किया, अखबार में इश्तिहार भी दिया, थाने में रिपोर्ट भी करवाई। रशीद भाई यकीन कीजिए कि आप हमारे लिए किसी फरिश्ता से कम साबित नहीं हुए। आप ही के घर से हमें इतनी प्यारी बहू ताहिरा मिली और आज आप ही लोगों के पास से हमें हमारी गुमशुदा बेटी रमल मिल गई। रशीद भाई मैंने अपने अल्लाह से इतना गुमान भी नहीं किया था जितना उसने मुझे खुशियां अता फरमा दी। वो कहते हैं ना अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, आज अपनी आंखों से देख लिया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि जिस बहन के साथ मैं बचपन से रह रही हूँ फिर शादी के बाद भी उसी के साथ रहूंगी। अमल तुम्हारा बड़ा भाई है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा मुजरिम। कैसे बातें कर रहे हो सारे, कितनी बार कहा है कि वो एक हादसा था बेटा, तुम्हारा क्या कसूर है? बेटा जो होना था वो लिखा था, तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। भाई ऐसा मत सोचो, इंशाल्लाह अब हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। और खुशी की बात तो ये है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आपकी बेगम है। समीना आरफा आओ देखो कौन आया है। मुझे क्या पता कौन है समीना, तुम खुद ही बता दो। हमारी रमन हमें मिल गई। मैं कहती थी ना, कहती थी कि हमारी रमन जिंदा है और एक ना एक दिन अल्लाह उससे जरूर मिलवाएगा। रमन कैसे हो सकते रमन तो। हाँ आरफा हाँ, तुम समेत हम सब आज तक यही समझते रहे कि हमारी रमल इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन नहीं, एक माँ को यकीन था कि एक न एक दिन उसकी बेटी उसे वापस जरूर मिलेगी और देखो आज रमल हमारे पास बैठी है, हमें मिल गई है। अल्लाह ने उस माँ का यकीन आज सच में बदल दिया। मुबारक हो तुम लोगों को बहुत, मैं आती हूँ। प्लीज आप लोग कुछ शर्म नहीं आती ना तुम्हें बिल्कुल भी? अपनी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने। क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने, क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया? गजब हो गया और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पहेलियां भिजवाना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। 15 साल पहले मैंने तुम्हें एक काम करने को कहा था, एक बच्ची को ठिकाने लगाने के लिए कहा था। कौन बच्ची, तुम रमल की बात कर रही हो ना? हाँ हाँ रमल। उसके लिए तो मैंने अच्छी खासी रकम भी दी थी और उन लोगों ने उसको ठिकाने भी लगा दिया था। तो फिर वो लड़की इस घर में क्या कर रही है? क्या 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 बकवास कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? रमल लाउंज में समीना और उस्मान के पास बैठी है, मेरे सीने पे मूंग डल रही है, जाके देख लो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। वो यकीनन कोई धोखेबाज है, पैसों के लिए इस घर में आई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं नहीं मानती ये सब कुछ, जो कुछ भी होगा ना जल्दी सच सामने आ जाएगा। अरे तुम जाओ जाके उसे कुरेदो, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये बकवास है, धोखेबाज है वो, तुम जाओ। ये सब मैं कर लूंगी, तुम भी जाके उस आदमी को पूछो जिसे तुमने पैसे दिए थे, कहीं उसने आगे तो नहीं किसी को बेच दिया।
चलो बेटा आओ आओ बेटा। दादी दादी मैं देखिए मैं वापस आ गई हूं दादी, ये क्या हो गया आपको? दादी अम्मी ये कि दादी को क्या हो गया? तुम्हारे जाने के बाद उमेर की डेथ और फिर उस्मान को जेल जाना पड़ा, उसके बाद से अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई। इसी तरह बेड पे लेटी रहती हैं, ना चलती फिरती हैं, ना कुछ बोलती हैं। तो बस हम यही दुआ करते हैं कि हमें ठीक हो जाएं। मुझे बताया था ताहिरा दादी की इस कंडीशन के बारे में भी और बाबा पे लगे झूठे इल्जाम के बारे में भी। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं आ गई हूं ना, मेरी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और बाबा पे लगा झूठा इल्जाम भी हट जाएगा, मैं वादा करती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने आज मुझे ये दिन दिखाया। दादी हम सब एक हो गए उस्मान। आप लोग देखिएगा दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। दादी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं आपसे इतनी सारी बातें कैसे करूंगी? आप प्लीज ठीक हो जाए ना दादी। समीना, रमन, देखो, देखो रमन तुम्हारी वजह से है। दादी की हालत में बेहतरी सी आ रही है। आप ठीक हो जाए ना दादी। समीना बाजी खाना लगा दिया, चलकर खा लें। ठीक है तुम जाओ, हम आ रहे हैं। दादी मुझसे बातें नहीं करेंगे? रमल, रमल बेटा दादी से बातें बाद में भी कर लेना। आज इतने तवील अरसे के बाद हम साथ खाना खाएंगे। आजा बेटा, आजा आजा। मैं अभी आती हूँ आपके पास। वाला तुम किसी को भी आवाज दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझसे आकर चाहते क्या हो? तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कभी नहीं हो सकता। ये तो होगा मदिया, ये तुम्हारी भूल है। एक बार मैं जिसे हासिल करने का सोच लूं, फिर उसे छोड़ता नहीं, भूलता नहीं और हासिल कर कर रहता हूं। अम्मी, मैं पहले ही इस आदमी की नियत को माप गई थी। ये शुरू से इसी फितरत का इंसान है। हम तो इसे कब से जानते हैं, फिर आपकी आंखों पर किस चीज की पट्टी बन गई है? आपने इसकी गंदी फितरत को क्यों नहीं पहचाना? आज अगर आप लोग जल्दी वापस नहीं आए तो ना जाने ये क्या कर डालेगा मेरे साथ।
मेरा मोबाइल फोन भी उसी कमरे में रह गया है, वरना मैं आप लोगों को फोन कर सारी बातें बता देती। आप लोग जल्दी आ जाएं वापस, प्लीज जल्दी से आ जाएं। कहाँ लेके जा रहे? आओ तो। मुझे आप वेलकम टू माय होम। आप यहाँ? सरप्राइज। रमल, फारिस मेरे देवर हैं और सारिम के कजिन। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बता देती तो सरप्राइज कहाँ रहता। अच्छा चलो चलते हैं। अभी कहाँ? जी अभी तो मैं आया हूँ। आप अभी आए हैं लेकिन इनको आए हुए बहुत देर हो चुकी है। अरे भाभी अभी तो मैंने रमल से बात भी नहीं की। बात करना जरूरी तो नहीं है, मेरा मतलब है अभी बात करना। फारिस मेरे पास ना आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या? वो ये कि अब आप जब चाहे रमल से मिल सकते हैं और ढेर सारी बातें कर सकते हैं। वाकई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो मेरी बात का। आप कह रही हैं तो कर लेता हूँ, वैसे करना मुश्किल है यकीन। अभी हमें जाने दें, सब नीचे वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको यकीन आ जाएगा। था ना, तुम क्या करती हो, पागल हो? उस्मान भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज दिन से के बाद ऐसे लगा कि जैसे अपनों के अंदर बैठे हुए। रशीद भाई आप तमाम लोगों से मिलकर बहुत खुश हुई मुझे, बल्कि आप तो मेरे मोहसिन हैं। इतना अरसा आपने हमारी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखा, इसकी खुशियों का एहसास किया, इसकी इज्जत की हिफाजत की। रशीद भाई मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा ना किया, मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, मैंने ये नेकी की थी सिर्फ अपने लिए। बस दुआ करें कि मेरा अल्लाह मेरी ये नेकी कबूल कर ले। रमल तो वैसी बहुत प्यारी बच्ची है, इसे हमेशा मैंने अपनी बेटी की तरह रखा है। और मेरे ख्याल से आप हमें इजाजत दीजिए मदिया घर में अकेली है। अरे तो आप उसको क्यों नहीं लेकर आए यहाँ, लेकर आ गए होते। जी भाई साहब अगली बार आएंगे तो इंशाल्लाह जरूर लेकर आएंगे। अरे भाभी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाया करे। अरे बहन ये तो बस आपकी मोहब्बत है, वरना समझने तो बहुत बदनाम है इसमें। उस्मान भाई आपने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। हमारी समीना बहन ने हमारी एक बेटी को तो अपनी बहू बनाकर लेके आ गई, और जब दूसरी साथ आई तो उसे अपनी बेटी होने का दावा करती। आए तो हम तीन लोग थे लेकिन अब वापस हम दो को जाना पड़ेगा। रमल तो भाभी अभी भी आप ही की बेटी है। जी जी जरूर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रमल तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी दुआओं का समर मिल गया। मैं तुम्हें कहता था कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से जो मिल गया, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें वहां से अदा करता है जहां से हमारा गुमान भी नहीं होता। और ये सिर्फ दौलत ही नहीं, रिश्ते मोहब्बत ये किसी रिस्क से कम नहीं है। जी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू बाबा, आपने आज तक मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा, ऐसा तो कोई अपना ही कर सकता। अम्मी बचपन से लेकर आज तक आपको मुझसे बहुत शिकायतें रही हैं ना, आप भी मुझे माफ कर दें प्लीज। अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, आज इतने सालों के बाद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिले हैं, आज तुम्हारा खुशियाँ मनाने का दिन, बस तुम खुश रहो। हाँ अलबत्ता मेरी बातों की वजह से तुम्हारा दिल बहुत दफा दुखा होगा, बस बेटा मुझे
मुझे सच्चे दिल से माफ कर देना। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मेरी माँ हैं और माएं बच्चों को डांटती हैं उनके अच्छे के लिए। उस्मान साहब रमल की मिलने की खुशी में दावत एक बनती है। एक क्या जनाब, बहुत दावतें बनती हैं, इंशाल्लाह आना जाना लगे रहेगा अब आपका। इंशाल्लाह अब हमें इजाजत दें। जी बिस्मिल्लाह। चले आई प्लीज। देखा तुमने फरजाना, मेरी बरसों की मेहनत और जद्दोजहद कैसे बन गया क्या? वैसे मैं तो सोच भी नहीं कि रमत इतनी अमीर घर की बेटी हो। इसलिए कहते ना कभी भी किसी को कम तो नहीं समझना चाहिए। वैसे गलती हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी जिस घर की बहू बनेगी रमल उसी घर की बेटी निकलेगी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने पिछड़ों को मिलवा दी। ये तो अच्छा, रमल की बातें करते रहेंगे या अपनी बेटी को भी फोन करके पूछेंगे? अरे मदिया से क्या पूछते हैं, घर ही तो जा रहे हैं। शायद उसने कुछ खाने के लिए मंगवाना हो। लाए मुझे दीजिए फोन, मैं कॉल करती हूँ। फोन नहीं उठा रही, लगता सो गई है। हाँ मिलाओ, सो रही होगी। चलो वैसे दोबारा ट्राई करते हैं। नहीं उठा। अच्छा तुम परेशान मत हो, जरा जल्दी चला लीजिए, पता नहीं मुझे घबराहट सी हो रही है। अरे क्या करूं, ट्रैफिक तुम्हारे सामने है, जा रहा हूँ, परेशान ना हो बस पहुंच जाते। इस बानों को तो मैं आज देखती हूँ, फिर से अम्मी को दवाई ले। कहाँ जा रही है? बेटा अम्मी को दवा देने के लिए जा रही हूँ। मैं दे देती हूँ दवाई दादी को। बेटा तुम आज ही तो आई हो, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, बहुत बीमार रहती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही उनका ख्याल रखूँ। आज बानो से बोला था कि उन्हें दवा दे दे, मगर हमेशा की तरह भूल गई। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आज से दादी की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, उनको दवाई दूंगी, उनका ख्याल रखूंगी, सब कुछ मैं खुद करूंगी। ठीक है बेटा, अगर मेरी बेटी की यही ख्वाहिश है तो आज से मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करूँ। दादी को दवाई देके आती हूँ। दादी मैं आपसे बहुत सारी बातें करने आई हूं, इतने सालों से जो बातें मेरे दिल में है मुझे वो सारी बातें आपसे। दादी मैं आपसे बातें करने आई हूं। दादी 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 उठे, दादी 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 अम्मी दादी उठ, अम्मी 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 जल्दी दे, मेरी दादी को क्या हो गया, उठ ही नहीं रही है। अम्मी 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 दादी उठे ना, मैं डॉक्टर को कॉल करूं? अम्मी तो फिर दादी की तबीयत, दवाई दवाई देती हूँ मैं।
मम्मी क्या हुआ दादी को अम्मी अम्मी मैं आप कुछ बोल क्यों नहीं रही अम्मी दादी को क्या हो गया दादी दादी हौसला करें अम्मी 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 आंखें खोले अम्मी आप इस दिन का इंतजार करते थे देखे आपके बच्चे आपके साथ हैं अभी तो इस घर में खुशी आना शुरू हुई थी रमल आ गए उस्मान आ गए अम्मी अभी नहीं जाना था आपको आज आपको उठना पड़ेगा मैं आपको ठीक होना पड़ेगा उठे देखिए आपके इर्द गिर्द कौन है अम्मी आप इसी दिन का इंतजार करती थी अम्मी आज वो दिन आ गया अम्मी प्लीज उठे अम्मी अम्मी प्लीज उठे ना अम्मी देखे आपके इर्द गिर्द बच्चे प्लीज अम्मी अम्मी उठे प्लीज अम्मी उठे ना अम्मी 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 उठे ना अम्मी उठे ना प्लीज अम्मी उठ जाए अम्मी अम्मी उठे आपके बगैर क्या करूंगी टूट जाऊंगी मैं ऐसे नहीं प्लीज अभी उठे प्लीज अभी उठे ना प्लीज मदीहा मदीहा मुझे लगता है सो गई है शायद मैं उसके कमरे में देख के आता वाह मदीहा अम्मी अम्मी नहीं वहां पे तो नहीं है अच्छा हो सकता है फिर इधर हमारे कमरे में न सो गए अस्सलाम वालेकुम अरे अरे बेटा ये क्या हुआ ये तुम्हें चोट कैसे लगी कुछ नहीं आप लोगों के जाने के बाद बाहर गली में निकला था तो एक तेज मोटरसाइकिल सवार के साथ टक्कर हो गई सर के बल गिरा हूं तीन चार टांकियां हैं ज्यादा कुछ नहीं तो तुमने उसको पकड़ा नहीं अब क्या पकड़ना उसको हादसा था एक्सीडेंट था हो गया अब कैसे हो ठीक है अब पट्टी बांध दी है उसने तो बोला क्या नाम मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा सब ठीक तो है मदिया क्या हुआ बाबा जाबे इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है क्या शुक्र है कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया मैं क्या कुछ सोचता रहा और हकीकत क्या निकली सब कुछ ऐसे ठीक हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था बस अब जरूरत रमल की हाँ की है फिर वो मेरी हो जाएगी सिर्फ मेरी फारिस जी मामा क्या हुआ सब खैरियत है फारिस तुम्हारी दादी की डेथ हो गई है चलो मरिया तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो जाबर पर बाबा मैं झूठ नहीं कह रही हाँ प्लीज मेरी बात पर यकीन करें मदिया हम बहुत दफा तुम्हारी बातों पर यकीन कर चुके अब की बार क्या सबूत है तुम्हारे पास मामी मामू ये मदिया क्यों कह रही है ऐसे आप लोगों के घर से जाने के बाद मैं बाहर गया हूँ मेरे साथ ये हादसा हुआ है और अब आया हूँ तो ये पता नहीं क्या कह रही है क्यों कह रही है ये ऐसे बेटा तुम चुप रहो मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते
हे मदिया, क्यों इतने शरीफ लड़के पर इतना बुरा इल्जाम लगा रही हो? क्यों? कैसे चुप रहूं मामी, कैसे चुप रहूं? यहां मेरी इज्जत खराब की जा रही है और आप कह रही हैं चुप रहूं। आपको तो पता है ना कि मैं कितना पसंद करता हूं मदिया को, मोहब्बत करता हूं मैं इससे, अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं मैं इसको। मैं इसकी इज्जत पे क्यों हाथ डालूं? पता नहीं क्यों ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम चुप रहो, ये झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रही हूं, प्लीज मेरा यकीन करें। झूठ तुम बोल रही हो मदिया, तुम बोल रही हो झूठ। याद है ना, तुमने रमल पर भी इल्जाम लगाया था। और कसूरवार कौन निकला? तुम। कभी कभी मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हो। बाबा, मैं सोच भी नहीं सकता था ये मुझ पे इतना गंदा इल्जाम लगाएगी। बस बहुत हो गया, मैं कल से शिफ्ट हो जाऊंगा, कोई होटल देख लूंगा अपने लिए। अरे नहीं बेटा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। लेकिन मामी ये क्या कह रही है? मैंने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे। मम्मी प्लीज, आप तो मेरे यकीन करो। तुम तो चुप करो, चलो आओ मेरे साथ कमरे में। अम्मी, अम्मी, पापा, अम्मी, अम्मी, नहीं, समीना, अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी उठ जा, अम्मी अपने बेटे उस्मान के लिए उठ जा। अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी मैं अभी तो आया, इतने अरसे बाद आया था, सोचा था आपसे बातें करूंगा, आपकी तबीयत पूछूंगा, आप ठीक हो जाएंगी तो अपने दिल की हर बात करूंगा, लेकिन आपने इंतजार नहीं किया मेरा। अम्मी क्यों मेरा इंतजार नहीं किया? अम्मी क्यों? अम्मी अम्मू हौसला करें। अरे बेटा कैसे हौसला करें? मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मैं कैसे हौसला करूँ? तो अपने दिल की बहुत सारी बातें करना थी, बहुत कुछ कहना सुनना था। या अल्लाह, सब्र।